क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कम्स इन बिटवीन, इन दोनों के बीच कौन सा नंबर आता है? ये डक है, थ्री डक दिए गए हैं। पहले डक में है 49 क्वेश्चन मार्क एंड 51, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, 50 एंड 51। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 50। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड क्लास फर्स्ट के मैथ के सिलेबस और सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसके हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। क्लास फर्स्ट के लिए है, जो कि अदर्स बोर्ड में जो बच्चा आपका क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, चाहे वो CBSE स्कूल हो या अदर बोर्ड्स के पढ़ाई कर रहा है, ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहते हैं। बस उसके क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। पहला पॉइंट से काउंटिंग नंबर, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, टाइम एंड कैलेंडर, मनी, मेजरमेंट, जियोमेट्रिकल शेप, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। IUM exam include two section of mathematics and scholar section, and the mark of these sections are given in the table now. Mathematics में per chapter wise कितने marks ये questions आते हैं वो section wise यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला section है number sense, जिसमें backward and forward counting और once और tens के related questions, टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स होते हैं 3.5, से टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स 7 हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कंप्यूटेशन ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर मार्क्स 3.5 रहते हैं, सो टोटल 17.5 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है पैटर्न्स, जो अलग अलग तरह के बच्चों को पैटर्न्स पूछे जाते हैं, चाहे वो इमेज पैटर्न्स हो, नंबर पैटर्न्स हो या अल्फाबेट पैटर्न, सो इससे रिलेटेड टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 3.5 इच मार्क्स रहते हैं। एंड मनी एंड टाइम, जिसमें मनी और टाइम से रिलेटेड टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा टॉपिक लेंथ, वेट एंड कंपैरिजन, जिसमें मेजरमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मेजरमेंट करते हैं, किस यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हो जाता है ज्योमेट्रिकल शेप, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। फिर हो जाता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें मेंटल एप्टीट्यूड्स रहते हैं, जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड नेक्स्ट स्कॉलर जोन, जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं। स्कॉलर जोन में जो हमारे सिलेबस होते हैं मैथमेटिक्स के, उससे रिलेटेड ही उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हायर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चन 25 रहता है एंड टोटल मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं। तो चलिए आगे फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग ट्वायर हैज द लिस्ट कॉस्ट ऑफ इंडियन रुपीज। ये 4 ट्वायर्स दिए गए हैं प्राइस के साथ, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन रुपीज के हिसाब से सबसे कम कॉस्ट का कौन सा ट्वायर है। नंबर ए डॉल 96 रुपीज, बी ट्रेडिंग 85 रुपीज, सी कार 72 रुपीज एंड डी ट्रेन 78 रुपीज। तो इसमें से सबसे कम रुपीज का ट्वायर जो है ऑप्शन सी 72 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। Which one of the following option will complete the difference between below? Question and question minus 18. अब इसके options देख लेते हैं क्या दिया है। ये 18 कितने number से कितने number को अगर हम minus करेंगे तो हमें यहाँ पर 18 प्राप्त होगा। चलिए इसके options देखते हैं। Option A है 2 tens and 4 ones. 2 tens and 4 ones का मतलब हो गया यहाँ पर 2 tens यानी 20, 2 into 10 और 4 tens यानी 4 ones, 2 tens and 4 ones यानी 4 यहाँ पर हो गया, ये तो ये हो गया 20 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट है 2 tens, यहाँ पर भी हो गया 20 में से 2 जाएगा तो 20 में से माइनस 2 जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर 18। और हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन क्या बता रहा है, कौन से
ऑप्शन में से किस में से किसको माइनस करेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 18, 20 माइनस 2 इक्वल टू 18। चलिए इस क्वेश्चन को पीछे और हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है हमारा माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस माइनस इक्वल टू 18, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है 20 माइनस 2 इक्वल टू 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट रिटन ऑन द बोर्ड गिवन बिलो। ये एक बोर्ड है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं और बच्चों को ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा नंबर नहीं लिखा गया है या नंबर्स नेम इसके लिखे गए हैं। 62, अब यहाँ पर 62 लिखा हुआ है कि नहीं चलिए देख लेते हैं। ये है 62। नेक्स्ट हो गया 32, 32 नहीं दिख रहा हमें। 19 देख लेते हैं, ये हमारा 19 हो गया। और ये हो गया नंबर डी में 41, नंबर डी में है 51 है, ये हमारा 51 हो गया। 32 ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 32 हम इस प्रकार लिखेंगे 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रिथ से ये लेंथ जो है 5 मीटर ज्यादा है। तो इफ द ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर, अगर 23 मीटर जो है ये इसका ब्रिथ है तो लेंथ जो है 5 मीटर ज्यादा बता रहा है, तो 23 + 5 = 28 मीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ सर्कल इज इक्वल टू 3/10 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्कल प्लस सर्कल प्लस सर्कल। यदि 3/10 है, इफ 3/10 इज इक्वल टू 30 हो गया यहाँ पर, 3/10 मीन्स 30। क्वेश्चंस को पहले समझेंगे, चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। If circle is equal to 3/10 means circle की 30 हो गया, एक circle बराबर 30 हो गया, तो then which one of the following is true statement? तो एक circle हमारा 30 है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? One circle plus one, यानी 3 बार हमारा 30 हो जाएगा। इसको हम plus करेंगे तो क्या हो जाएगा? One circle 30 plus, फिर one circle 30, फिर plus, and then circle हो गया 30। ये जो है ये हमारा 3 सर्कल इसका टू 30 + 30 + 30 इसका टू क्या हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 90। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए इसका टू 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following object is thinner than bottle? इस बॉटल से पतला, थीनर मतलब पतला, कौन सा ऑब्जेक्ट है? ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दिस इज द थीनर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, What bill comes in place the question mark within the number series given below? ये एक number series दिया गया है, ये pattern chapter से related questions हैं। तो ये हो गया 63, 67, 71, 75 and 79। इसमें बच्चों हमें ये देखना है कि कितने numbers के बाद कितनी gapping हो रही है। 63 + 5 = 3 + 4 फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे 63 + 4 हो गया 67, यहाँ पे 4 हम डालेंगे तो 7, फिर 67, 68, 69, 70, 71।
फिर यहाँ पे हम क्या किए, 67 प्लस 4 71, 71 प्लस 4 75, 75 प्लस 4 79, इसी प्रकार 79 प्लस 4 अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सब में सीक्वेंस हमारा जो है प्लस 4 का ऐड हो रहा है। तो 79 प्लस 4 हम करेंगे तो 9 और प्लस 4 13, 1 कैरी ऑन हो जाएगा, 7 और 1 8, 83। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फिगर गिवन, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। चलिए हम देख लेते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में। चलिए पहला ट्रायंगल्स ये हो गया, वन ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स, फिर ये हो गया थ्री ट्रायंगल्स, एंड ये हो गया फोर ट्रायंगल्स। सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी 4 ट्रायंगल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन लेटर सीरीज गिवन बिलो, ये हमारा ये भी पैटर्न्स में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पैटर्न सीरीज चल रही है, सी, इसके बाद यहाँ क्या हो गया डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, यानी एक एक लेटर्स की गैपिंग करके ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम। तो ये थे सिल्वर ओलंपियाड क्लास फर्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पेपर, सैंपल पेपर थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्वर ओलंपियाड में बच्चों को कैसे तैयारी करना है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताएं कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पेपर या किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।